तो सतीश कौशिक की मौत के मामले में जिस विकास मालू का नाम सामने आ रहा है, उसकी खुद की जिंदगी भी कई सवालों में घिरी हुई है। विकास मालू पर दूसरी पत्नी ने रेप और फिर जबरन शादी करने का आरोप लगाया है। सतीश कौशिक के साथ विकास मालू का क्या रिश्ता था, चलिए जानते हैं, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तीस साल की दोस्ती का दावा और दोस्ती के बीच पैसे की दरार। सतीश कौशिक के निधन के बाद विकास मालू नाम के जिस शख्स का नाम सुर्खियों में है, उसके साथ रिश्तों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कौन है विकास मालू जिसके साथ सतीश कौशिक की इतनी गहरी दोस्ती थी? दोनों कई बार पार्टियों में साथ देखे जाते थे। क्या दोनों के बीच कोई कारोबारी रिश्ता था जिसका एक सिरा देश में तो दूसरा सिरा दुबई में मिल रहा है? और क्यों विकास मालू की पत्नी ही उस पर साजिश के संदेह को लेकर आरोप लगा रही है? कुछ टाइम पहले 2022 अगस्त में मेरे हस्बैंड और सतीश जी के बीच में कोई पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई थी, और जिस आर्ग्यूमेंट में सतीश जी ने जो मेरे हस्बैंड विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए हुए थे वो उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी, पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि ये पैसे मैं आपको इंडिया में दूंगा, और ये आर्ग्यूमेंट दुबई में चल रहा था। ये आर्ग्यूमेंट 2 दिन चला, एक 23 अगस्त को, एक 24 अगस्त को। तो 24 अगस्त को जब दोबारा आर्ग्यूमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको ये पैसे इंडिया में दूंगा और इन पैसों का कोई हिसाब तो है नहीं क्योंकि कैश में लेन देन हुआ था, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई तो कर नहीं सकते। सतीश जी को ये सुनकर बहुत अजीब लगा था। विकास मालू की पत्नी के मुताबिक उसने कारोबार के लिए सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए उधार लिए थे। विकास मालू की पत्नी का कुबेर ग्रुप है। पिता मूलचंद मालू ने 1985 में कुबेर खैनी के साथ इस ग्रुप की शुरुआत की थी। 1993 में विकास मालू इस ग्रुप का डायरेक्टर बना। फिलहाल कुबेर ग्रुप का कारोबार 50 देशों में फैला हुआ है। विकास मालू बॉलीवुड के सितारों के बीच काफी लोकप्रिय है। इंस्टाग्राम पर कई सितारों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। विकास मालू की निजी जिंदगी भी बेहद उलझी हुई है। दूसरी पत्नी ने आरोप लगाया कि रेप के बाद विकास मालू ने जबरन उससे शादी रचाई। पहली बात तो मेरे पति पे मैंने जो है रेप उन्होंने मेरा किया, तो मैंने उसका ही आरोप है उन पे। और दूसरी बात उनके बेटे पे भी, उनके बेटे विनीत मालू ने भी मेरे साथ रेप किया है। पहले जब मेरे पति ने रेप करके मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली तो वो सहन कर लिया गया, पर जब उन्होंने घर में ये शुरू कर दिया कि अब उनके बेटे के साथ भी मेरे को सोना पड़ेगा, तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो जब 17 अक्टूबर 2022 को उनके बेटे ने रेप किया तो मैंने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया और मैं घर छोड़ के आ गई। सतीश कौशिक की मौत के बाद विकास मालू की पत्नी की पुलिस के नाम चिट्ठी ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। जहां उनकी तबीयत बिगड़ी थी उसी फार्म हाउस के मालिक की पत्नी ने फार्म हाउस के मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि दरअसल सतीश कौशिक ने फार्म हाउस के मालिक विकास मालू को 15 करोड़ रुपए दिए थे और लगातार सतीश कौशिक वो पैसा मांगते थे। इस वजह से बहुत मुमकिन है कि जहरीली दवाइयां देकर सतीश कौशिक की हत्या कर दी गई हो। अब दिल्ली पुलिस उस महिला का बयान दर्ज करने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक की तफ्तीश को आधार बनाते हुए बयान जारी किया है और बताया है कि इस केस में अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिल रहा है और हार्ट अटैक से ही सतीश कौशिक की मौत हुई थी। पुलिस अब 15 करोड़ की उधारी, दोस्तों के बीच कारोबारी रिश्ते और पत्नी के आरोपों को लेकर नए सिरे से जांच कर रही है। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।